हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑटो वर्किंग्स के नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्युंडई क्रेटा के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और क्लस्टर के बारे में। देखा जाए तो राइट साइड में उसमें आपको टॉप ऊपर की साइड में फ्यूल गेज, उसके नीचे आपको टेम्परेचर गेज, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में टैकोमीटर आता है, बीच में आता है आपका 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसी में आपको लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट साइड में देखोगे तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आएगा, उसी के नीचे देखोगे तो आपको टोटल किलोमीटर्स रन आ जाएगा, लेफ्ट साइड में देखोगे तो उसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर गेज आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें आपको गेज शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए मेन इन्फॉर्मेशन की, ड्राइव इन्फॉर्मेशन की, ये है ट्रिप ए, जिसमें कि आप देख सकते हो ट्रिप ए में अभी इतनी चली हुई है, उसमें आपको कितनी फ्यूल इकोनॉमी हुई है और टाइम कितना हुआ है वो अभी आप इसमें देख सकते हो। ओवरऑल इसके डाइल्स अच्छे है, एक्यूरेट साइज़ के, इतने छोटे भी नहीं दिखते, बड़े भी नहीं। उसका डायल्स का पॉइंटर भी काफ़ी अच्छा और नीटली प्लेस है। ट्रिप बी की तरफ देखा जाए तो उसमें भी आपको ट्रिप बी में कितना चली, उसने फ्यूल इकोनॉमी क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपके एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का, और उसके नेक्स्ट आता है आपको जो डिजिटल स्पीडोमीटर है उसका, जैसे कि आप बीच में आपको कौन किस स्पीड से चल रहे हो वो देख सकते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी 30 तक का बार है। क्रेटा ऑटोमेटिक में रकम उम्मीद ही नहीं है, आया तो ठीक है आप ये बार फुल कर सकते हो आप अगर अच्छे राइडर हो तो। ओवरऑल डायल्स अच्छे हैं, डायल्स के ग्राफिक्स भी अच्छे दिखते हैं। उसमें आपको ये कंपास भी आता है जिससे आप डायरेक्शन यूज़ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो इसमें, और बाकी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको ड्राइव मोड्स के भी, जो एग्जैक्ट कौन सा ड्राइव मोड है उसके हिसाब से इसके ग्राफिक्स भी चेंज होते हैं। जैसे अभी हम जस्ट देखेंगे किस हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे कि अब अपन गए स्पॉट मोड में तो रेड हो गया, इको मोड पे लगा दिया तो ग्रीन हो गया, नॉर्मल सिटी मोड पे ब्लू हो जाता है। ट्रैक्शन मोड्स की बात की जाए तो इसमें आपको आएगा स्नो मोड, मड मोड और सैंड मोड, उसी तीन मोड्स में आप कार को ड्राइव कर सकते हो। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, क्रेटा के टॉप 2 वेरियंट्स में देखने को मिलेगा, अल्काज़ार के भी बेस वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए आपको अगली कौन सी कार का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए।